प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद तनाजे को लेकर समाप्त होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच में मामले की समाप्त होगी। और आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी और मंदिर की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने इजाफी तहरीरी बहस कोर्ट में करने की अर्जी दाखिल की थी। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर आज से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे को लेकर समाप्त शुरू होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की बाकायदा समाप्त की जाएगी और साथ ही साथ जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच इस मामले की समाप्त करेगी। और इस मामले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर समाप्त होगी। आपको बता दें तो साथ ही साथ मंदिर की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने इजाफी तहरीरी बहस कोर्ट में करने की अर्जी दाखिल की थी। तो विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का तनाजा लंबे वक्त से चला रहा है और इसको लेकर तमाम अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिन पर अब बाकायदा समाप्त की जाएगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर बाकायदा समाप्त होगी। तो वहीं आपको बता दें कि सिंगल बेंच के जरिए जस्टिस प्रकाश इस मामले की समाप्त करेंगे। तो बड़ा तनाजा यह है, विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का तनाजा है, जिसको लेकर अर्जियां दाखिल की गई हैं। और अब मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमर, लंबा तनाजा ये देखा जा रहा है, अब इस मामले की बाकायदा समाप्त होनी है, क्या लगता है, क्या सामने आएगा? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रयागराज का ये मामला है, आज से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे को लेकर समाप्त होगी। अहमर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल साहिबा, देखिए आज से इस अहम मामले में सुनवाई होना है और लगातार इसमें सुनवाई चलेगी, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद मामला जो है वो एक फिर से अब सुर्खियों का सबब बनता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है साहिबा। और जिस तरीके से जो उसमें जो जिन्होंने जो दोनों पक्ष हैं, खास तौर से एक जो अंजुमन के जो इंतजामिया हैं, उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान पेश रहेंगे, और एक जो मंदिर की तरफ से पक्ष है, तो उनका ये कहना है कि जो खास जो सुनवाई होना है वो इस बात पे होना है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 के तहत जो एक कानून है, तो उसकी जो कहीं ना कहीं है वो खिलाफ वर्जी नहीं होती है, क्योंकि उस मंदिर में 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले पूजा अर्चना होती चली आ रही है। तो खास तौर से इस बात पे सुनवाई होना है और आगे की जो भी जो अमल होगा वो जल्दी ही निकल कर आएगा, क्योंकि हम लोगों बिल्कुल अहमर, तो क्या लगता है, अब इस मामले की मुसलसल बाकायदा सुनवाई की जाएगी तो जल्द ही इस मामले को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले पे में भी एक जल्दी सुनवाई अब होगी और लगातार सुनवाई होगी, और इस मामले में बहुत ही जल्द कुछ एक अहम फैसला भी एक हद तक मुमकिन माना जा रहा है कि सुनवाई के बाद आ सकता है, क्योंकि जो मामला है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, और दो बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले साहिबा देखा था कि एक बड़ा मसला हिंदुस्तान के साथ साथ तमाम पूरी दुनिया में अयोध्या का भी रहा, तो उसी की तरह बिल्कुल दो कम्युनिटी से ये जुड़ा हुआ मामला है अहमर, और ऐसे में ये भी अहम हो जाता है कि इस मामले की समाप्त में क्या कुछ दोनों लोगों के पक्ष सामने आते हैं। अहमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।